मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। इलाका इनामी बदमाश पुलिस एनकाउंटर में ढेर। आजमगढ़ का इनामी बदमाश सचिन पांडे एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ के साथ लखनऊ के विभूति खंड इलाके में हुई मुठभेड़। मारा गया बदमाश आजमगढ़ के निजामाबाद का रहने वाला था। 2018 में भी आजमगढ़ में हुई पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ था। आज मुठभेड़ के बाद बदमाश को लगी गोली, लोहिया अस्पताल लाया गया, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। 1 लाख के इनामी सचिन पांडे भाड़े का शूटर था, किसी गैंग से नहीं था, जिससे मिली सुपारी कर देता था हत्या। हत्या लूट रंगदारी वसूली के दर्जनों मामले सचिन पांडे पर दर्ज। यूपी से लेकर बिहार तक सचिन पांडे भाड़े पर करता था हत्या। विभूति खंड में एमटी कॉलेज के सामने दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ में पुलिस पर चला दी गोली। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी सचिन पांडे। आज एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीम द्वारा एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसे बाद में अस्पताल में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। इस मृतक की शिनाख्त जो है वो सचिन पांडे, जो थाना निजामाबाद आजमगढ़ का रहने वाला है, के रूप में हुई है। और इसका जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि एक लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 2 दर्जन से अधिक अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। ये एक शार्प शूटर रहा है और इसका खुद का एक गैंग रहा है। इसके विरुद्ध एक्सट्रॉशन के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, लूट के अभियोग पंजीकृत हैं, इवन गैंगस्टर अभियोग के भी अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत हुए हैं। और इस पर इनाम था, इनाम की धनराशि के संबंध में जनपद आजमगढ़ से संपर्क कर इनाम की धनराशि ज्ञात की जा रही है। ये भी विदित हुआ है कि ये जो अपराधी है ये एक शार्प शूटर रहा है और एक बार वर्ष 2015 अथवा 2016 में एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनके साथ गनर था और किसी दुकान पर वो रैंडम चेकिंग के दौरान इस बदमाश को जब चेक किया गया तो इसने इमीडिएटली फायर कर दिया और उसमें उनके गनर को भी इंजरी आई थी और बाद में उपचार होने के बाद वो ठीक हुआ। ये एक शार्प शूटर रहा है। आज भी जब इसको एक मुखबिर की इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट किया गया, इसको चेक किया गया, इसने फायर ओपन कर दिया, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और इसको गोली लगी, बाद में इसकी अस्पताल में मृत्यु घोषित हुई।